जीआई स्कूल इस समय हमारे बीच में पहुंच रही है। हालांकि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कहीं ना कहीं हाजीपुर की टीम नहीं दिखाई दे रही है मुझे, और मैं उनका खेल देखने के लिए आतुर हूं, क्योंकि पहली बार देख रहा हूं सीजन में। अभी तक तो मैं अनुपलब्ध, क्या कुछ होगा ये वक्त वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे बीच में कसेरुआ की टीम, एक बार जोरदार तालियां कसेरुआ। कहीं ना कहीं क्या आप कसेरुआ या कि मुल्लापुर टीम से कमजोर तो नहीं दिखाई दे रहे थे प्रतापगढ़ स्टेडियम की टीम? एक है और वॉलंटियर्स जो बिल्ला लगाने के लिए काफी आतुर थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर गए? वॉलंटियर्स का काम होता है कि दर्शकों को पीछे रखिए, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड आना बाकी है, थर्ड राउंड आना बाकी है, फाइनल आना बाकी है। तो बड़े मैचेस होंगे, पट के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। तो मंजुल भाई, अगर खुदा ना खास्ता किसी रेडर को अगर तेज डैश किया गया तो चकनाचूर तो पहले ये हो जाएंगे। चलिए कोर्ट से सूचना यह है कि टॉस जीता है कसेरुआ के कैप्टन ने और कोर्ट चूज किया है आने के पहले डिफेंड करेंगे। एक अच्छा फैसला तमजुल भाई। बिल्कुल आजाद भाई, जब दो अढ़ाई का नियम लागू रहे तो कोई भी टीम यही करेगी। टॉस जीत कर पहले रेड नहीं करना चाहेगी, वो सामने टीम को चाहेगी कि वो उनकी दो अढ़ाई।